ये तो कुछ भी नहीं अभी। सब छोड़ दिया मैंने, आई स्वेर, दूध का पैकेट भी नहीं चुराया, चेक कर लो। आयुष को जानते हो हैंडसम? पता है स्कूल में आज मैंने बाय मिस्टेक उसे पिपी करते हुए देख लिया। सारे स्कूल में गॉसिप फैल गई कि आई लाइक आयुष। स्टूपिड बॉयज, आई डोंट लाइक देम। वो लोग कितना मस्ती करते पता है? कितना रूड है। अभी बाकी है। लेकिन मैंने इसमें नए सॉन्ग्स डाल दिए। सॉन्ग्स? शोर है। मिनी पाई। रुको। अकाउंट से कैसे? इन पैसों का क्या करोगे? धैंडरन नील आर्ट्स, अपना नील पार्लर खोलूंगी। मेरे स्कूल की सब बड़ी बड़ी गर्ल्स मेरे पास आती हैं। तुम्हारे भी नेल्स करूं? आजकल बॉयज में ट्राई कर रहे हैं। तुम गैंगस्टर हो क्या? सब कहते हैं कि तुमने कोई क्राइम किया है और अब यहाँ छुपे हो। मेरी मम्मा ने भी मुझे वार्न किया है। और तुम क्या कहती हो? मुझे नहीं लगता। नायोमी, मारा जल्दी। मम्मा, मत बताना, नहीं तो मेरी फिश करी गई। लेकिन मुझे तो अंदर से आवाजें सुनाई दी। ज्यादा ड्रग्स लेने से अक्सर ऐसा होता है। हाँ, वेरी फनी। फिर पूरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ हैंडसम, यू नो आई डोंट लाइक दिस। नायोमी, मुझे पता है तुम अंदर हो। नायोमी, बाहर आओ जल्दी। हैंडसम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, नायोमी को एंटरटेन करना बंद करो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? दरवाजा खोल। Anyways, कुछ पैसे चाहिए मुझे। Thank you.
आई प्रॉमिस मम्मा के फ्रेंड जैसे चले जाएंगे मैं चली जाऊंगी। तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? हैंडसम। और मेरा निकनेम क्या है पता है? नहीं बताती। डस्टबिन। अंत नोरा ने बताया मामा ने जोश में डस्टबिन को लात मारी और मैं उनके पिट में आ गई, इसलिए मेरा निकनेम डस्टबिन है। फनी है ना डस्टबिन। मटेरियल नहीं था ना, बट आई होप तुम्हें क्यूट तो लगेगा। चुराया नहीं था, मैं तो बस अपने स्कूल बैग से कंपेयर कर रही थी। लाया लाया पेंट्स ऑन फायर, इसके पास तो स्कूल बैग ही नहीं था। बेटा आपकी मम्मा घर पर हैं? डैडी देखो माँ बाप का भी पता नहीं। हाँ बेटा डैडी वो आपकी डैडी। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, गुस्सा हो गया, इसीलिए कहा था चोरी मत करो। एक्चुअली उसने मुझे पे करने को कहा था। नेवर माइंड, बचपन में गलतियां करते हैं फिर अपने आप सीखते हैं। सिर्फ पैदा करने से ड्यूटी खत्म नहीं होती।
हमेशा अकेले देखा है उसे। उसको अपना वक्त दो, उसके साथ आया करो जैसे बाकी डैडी जाते हैं, एंड शी विल बी फाइन। हैंडसम, देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये लो, बहुत प्रिशियस है, सबको बचाता है। अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शर्म आई ना बताने में कि तुम मुझे जानते हो। सब प्रिटेंड करते हैं कि मुझे नहीं जानते। मेरे स्कूल में भी मम्मा ने भी कहा अगर कभी रास्ता भूल जाओ तो फोन नंबर और एड्रेस भी भूल जाना, वापस घर मत आना। जब वो ड्रिंक करती है तो कहती है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। मैं उस मोटी पर गुस्सा नहीं थी, उसने तो सिर्फ मुझे मारा, लेकिन तुम तो उससे भी बुरे हो। लेकिन मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें हेट करूंगी तो पूरे वर्ल्ड में लाइक करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं ना। मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकती। सब उतार दिया। चाहिए क्या? बहुत साफ चाहिए। ड्रग नहीं, क्राइम नहीं, कचरा नहीं, फॉरेनर्स का वीजा खत्म होने के बाद रुकना नहीं, बाकी बातें यहाँ करें। क्या कुछ बातें बहुत कर ली सर, सीधा काम शुरू करते।
आराम खोरों की लंबी लिस्ट है। गोवा में ड्रग्स का मतलब है मान तुम। मान लाने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और पेडलर्स का पूरा रैकेट संभालने वाला यही है। ये फुटबॉल मांतू का बाया सिर्फ खाल मोटी है, अकल मांतू का मेन बिजनेस यही संभालता है। एडविन, इसको सिर्फ हम लोग जानते हैं, ये स्ट्रीट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है। लेकिन हर दो नंबर के धंधे की जानकारी रहती है इसको। फरेरा ब्रदर्स, लूक और केविन, मांतू के साथ कुछ लिंक्स हैं, कोई कोई डील्स करते हैं एक साथ, ये दोनों भाई पॉलिटिकली कनेक्टेड। ये अकीला भाई बॉडीगार्ड मांतू, इनका कचरा यही साफ करता है और इतनी सफाई से कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। चेन्नई में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो डॉक्टर जयराम अरेस्ट हुआ था, उसने अपने कन्फेशन में दोनों भाइयों का नाम लिया, लेकिन बाद में उसने अपना कन्फेशन विड्रॉ कर लिया और दोनों भाइयों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। से करने वाले और वीजा एक्सटेंड करने वाले टूरिस्ट आजकल एक और कार्टेल का शिकार हो रहे हैं। पॉन शॉप्स में चीजें गिरवी रख के या बेच के वो दो एक दिन और गुजार लेते हैं गोवा। जब पैसा वापस नहीं कर पाते तो ये फॉरेनर्स बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं और पॉन शॉप ओनर्स और लोन शार्क से कहने पर ड्रग कार्टेल के लिए काम करना शुरू कर देते हैं या ऑर्गन हार्वेस्टर्स को किडनी बेच देते हैं। ये कुछ और छोटे छोटे कार्टेल जैसे बच्चों से भीख मंगवाने वाले, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और एक नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, कार्ला आंटी। ये आंटी छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाती है और हम लोग ये आंटी अंकल के लिस्ट बना दे रहे हैं। हम जर्नलिस्ट नहीं है, पुलिस वाले हैं संगठन। सर पुलिस वाले इससे तो हाथ बंधे हुए हैं, कभी आदमी की कस्टडी नहीं मिलती तो कभी सबूत नहीं मिलता तो कभी कोर्ट कन्फेशन नहीं मानती। सर सफाई चाहिए तो केस वाटर टाइट होने चाहिए और हाथ खुले। खोल दिए समझो, आगे कोई भी कॉन्फ्रेंस मेजर अरेस्ट और कन्विक्शन। सर फुटबॉल निकल रहा है सर, लेकिन वेटर तो आया नहीं बाहर। सर लेकिन ये तो आ रहा है ना, तुमने उस वेटर को बैग उठाते हुए देखा तो था ना। सर अभी हाँ बोलने के लिए भी टाइम नहीं है, ये भी गया तो गेम खत्म। सर बोलिए जल्दी क्या करूं। मांग सर गेंडे के लिए बचा के रखो, बेटेगा तो बताएगा माल की तरह। ऐसे बैट ऐसे ऊपर से नीचे आनी चाहिए, नहीं तो बॉल ऊपर जाती है। कहीं भी बोल रहा है यार, कुछ याद नहीं, आदमी मर भी सकता है। कितने बार बताओ, वही बताओ इसे क्यों। गुस्सा मुझे आना चाहिए ना, इसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, तू समझा इसको।
आज तक गोवा में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझ पे हाथ डाल सके। मजा आया ये ऑनर सुनने में। मधु से बोल देना उसका टाइम भी आ गया है ये ऑनर सुनने का। लेकिन सुन के वो बाहर नहीं आएगा, अंदर जाएगा और वहां से सीधा ऊपर। कहना उसने अब वहीं जाके कंस्ट्रक्शन करें। सारा माल घुमा दिया, तेरे को क्या लगा रही केविन? मां तू शेरलॉक होम्स को भेजेगा माल ढूंढने के लिए? हाँ ये दूसरा लारे धंधा हो गया है, अनलकी है। केविन ने सेल्फ गोल मार दिया है, है? मंतु बच्चे लोग पता लगा रहे हैं, जो भी थे मिल जाएंगे। मातू बच्चे लोग ढूंढ रहे हैं, मातू मिल जाएगा। देख केविन, 1 करोड़ लोग इंडिया में चरस और अफीम फूंक रहे हैं, मेथ की मार्केट भी मजबूत है और 10 लाख लोग हीरोइन और ब्राउन शुगर यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का आंकड़ा है, और गवर्नमेंट का आंकड़ा इसका मतलब कम से कम 40-50 लाख लोग ब्राउन शुगर और हीरोइन यूज कर रहे होंगे। अब सोच, इतनी बड़ी मार्केट है और इसकी शुरुआत तूने कैसे की? सैंपल घुमा के 3 दिन रोक सकता हूं रूसियों को, उसके अंदर माल मिल जाना चाहिए, वरना तुम दोनों भाइयों की चारों किडनियां निकालकर बेच दूंगा। ढूंढ ले, ढूंढ ले। कहाँ रखी है हेरोइन? हेरोइन किधर है? ट्रिप पे है क्या तू अभी तक? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हेरोइन किधर है? बोल। सारा हार्ड वर्क मैंने किया तो 50% मिलना चाहिए मुझे। मरने पर तुली है तू। देख पागल मत बन, तू जानती नहीं है किन लोगों के साथ पंगा लिया है, किनका माल चुराया हमने। साले फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो हेलो ब्रदर, कहाँ है तू? बहुत मारा बात तू ने। अरे चल ना, बाकी छी मारा पूल में। साले मेरी यहाँ काम पे लगी हुई है और तू वहां बैठ के घर सो। इजी इजी ब्रदर, ये लक है। तू इधर मैं इधर। अच्छा सुन, उस वेटर की बत्ती बुझने से पहले उसको परफ्यूम की स्मेल आई थी। वहां पर सारी लड़कियों की नाक तो साफ है सिवाय एक के, एना। वो अर्विस की डांसर है? कुछ चाहिए हमें। साले कपड़े देख हमारे, पॉकेट मार लगते हैं तुझे। तू
प्रॉब्लम है यहां पर। भी 15 दिन का इंटरेस्ट लगता है। 5000 असल 500 सूद। सामान उसी को वापस मिलता है जिसने गिरवी रखा हो। ऐसा रूल्स ही नहीं मालूम हमको तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? चले उठ चलो कर करना आओ गिरवी रखने वाली हमारे पास गिरवी है। हैंडसम अब 5500 के लिए दोनों को बाय बोलना है। तो अलग बात है। देखना चाहिए था उसको। बिजली था बिजली, very fast. He didn't flinch when I shot Fatso twice. तूने दो बार गोली चलाई और उसने पलक नहीं झपकी। अच्छा ये एक बकरा तो चाहिए था। बस एक डिलीवरी करनी हो गई कल सुबह। गाड़ी नंबर GA05JK2309। Most of them.
ग्लव कंपार्टमेंट खोल, जिम जा। विद्या कंस्ट्रक्शन साइट में जाओ और दसवें माले पे एक सैंपल फ्लैट दिखेगा, वहां मानतों के लिए पूछो। पैकेज सिर्फ 80 को देना और मेरा फोन कार्ड टेलीफोन फेंक देना। मेरा भी आना ना, 9 बजे अर्निस चले जाना डिनर के लिए। शेर कभी घास नहीं खाता है। अरे किसी जानवर की लाश क्यों नहीं थाले में? मांस वांस कुछ मस्त से कटी। मांस मच्छी खाना है तो मेरे पैसे बढ़ाओ। जब देखो तब जानवर जानवर। अकेला यही एक टाइम है ना जहाँ पे करप्शन करने को दिल करता है। हाँ पिकड़े ब्रो, पोजा पधारो विद। नहीं सर, पोजाल विद। हाँ वो, अरे आइए आइए दरवाजो पधारो विद। पोजाल विद चुप। पोजात्सनो पिकासा विद सांत्री बोल गया। पिकारित बसो बसो, अकेला है ये? हाँ मानता। हिम्मत देखो रूसी की। ए रूसी, लेकिन रूसी लगता नहीं रही तू, पठान लगता है पठान। इसको बोलना इसके लिए स्पेशली रशिया से मंगाई है, उम्मीद है पसंद आएगी। इतना वोडका रूसिया भोजन लिस्ट है, इतना भोजन लिस्ट है। लो ना लो ना। क्यों नहीं है ये? क्यों नहीं पीता तू? हाँ तेरे को क्या लगता है? क्या ये मेरा हो गया? अब तुम्हारी बारी। कहां से आया है? ए! किया था, कहाँ है वो? क्या पका ये? किसके लिए काम? साहिबा, माल मिला। केविन? मांतू, एएनसी, तू मुझे फंसाएगा? चॉइस क्या है? सारा आड़ोत मैं करूँ और डील ले जाएगा तू? ना, ना। आज के बाद सारा काम मैं खुद करूंगा। थप्पड़ खा के गया तू, अब गोली खाएगा। मान तो घंटे का मान तो अब गया।
किसी मिनिस्टर एमएलए की चाट के भी अब तेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर जान बचानी है तो भाग। घंटे का मान तू ये बोटी एनसी को डाल देना। कौन मार रहा है? नया पंटर है। कौन है, कहां से आया है, कुछ पता नहीं चल रहा है सर। मानतू की गैंग से भी कोई लिंक नहीं मिल रहा है। डेड बॉडी, वो लड़की का नाम क्या था? एना। उसका और मानतू का क्या कनेक्शन है? पता नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में से सब ऑर्गन गायब है।
सब ऑर्गन गायब है मतलब? मतलब किडनी, लिवर, आंखें, स्किन टिश्यूज, बॉडी का जो ऑर्गन बिक सकता है सब ले गए। मानसु ऑर्गन हार्वेस्टिंग में कब से घुस गए? ये उसका बिजनेस तो नहीं है। देखते हैं कुणाल क्या पता लगाता है। ये देखिए सर, ये मुझे फर्स्ट टाइम पे मिला। आधे ग्राम से क्या हुआ? हाँ, बाकी तो ले गए ना। कभी अहलाद नाम है काले सूट का, पास में रहता है, एक पॉन शॉप चलाता है, ना ड्रग ऑफेंस का रिकॉर्ड है, ना कोई ड्रग्स लिया है, यूरिन टेस्ट साफ है। 2008 में पॉन शॉप रजिस्टर हुआ, पैन कार्ड वैन कार्ड सब है, लेकिन एक बात अजीब है। क्या? 2009 से पहले इस इंसान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लगता है 30 साल का पैदा हुआ। यह रिकॉर्ड गायब करना कौन सी बड़ी बात है? गोवा से बाहर तो होगा। थोरो इन्वेस्टिगेशन करो और इसका मानतो से लिंक ढूंढो। सिर्फ नारकोटिक्स का नहीं, मर्डर का केस है। ओके सर। देखो इसे, नाक के अंदर की नस पड़ गई थी उसकी, मतलब पता है इसका? उसकी आंखें निकाली तब उसका दिल धड़क रहा था, उसकी खोपड़ी खुली तब भी जिंदा थी वो। ड्रग केस तो बाद में आएगा, तो ऐसे ही साइलेंट हीरो बना रहा ना तो लंबा नहीं, ऊपर जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर सुबह से कुछ नहीं खाया। आपके लिए रशियन सैंडविच मंगाओ या फिर मारे खाओगे? खाओगे? ये ऑनलाइन तुम्हारी हर फाइल सिक्योरिटी कोड लॉक क्यों? क्या हुआ? एक फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं उसकी। ये मानतू की फाइल है, दिलीप सर को देना। अरे हुआ, क्या बात है, अंदर जाने से पहले ही सरकारी खाना। एक्सक्यूज मी, हाथ खोलोगे नहीं तो खाऊंगा कैसे? पेट बुलवाता है यार, ये उड़का। अरे ये बोला खाओ खाओ, खुल के खाओ और फिर खुल के खाओ। खोलो। घाबरो ना, आईला साहब लिंक मिल गया। तभी मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा फुटबॉल मानतू के इधर दिखा क्यों नहीं। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कौन है? रशियन ट्रांसलेटर। मैंने तो सिर्फ खाना मांगा था। फ्रांसिस कलिस्टो कहाँ है? उसे फोन दो। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने क्या किया? 7:35 फ्रैंकी ने हैंडकफ खोलने की गलती की। Seven.
7:39:15 7:45 में मांतु की फाइल लेकर छू हो गया। 6 ANC वाले हॉस्पिटल पहुंच गए। फ्रैंकी की तो गर्दन गई, फलोर को तो दांत गए, अब फलोरो और उसका साथ साल का लड़का दोनों एक जैसे ही दिखते ऐसे काफी जालिम चीज है कबीर अलावत। और वो कोड जो उसकी फाइल पर रॉ या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने लगाया? सिविलियंस की फाइल पर इंटेलिजेंस एजेंसी का कोड टफ है ना सर? सिर्फ प्रॉब्लम ही बताओगे? एक सोल्यूशन है सर, आपको याद है बुश के टाइम पे एक बच्चे ने उसे थ्रेटनिंग ईमेल भेजा था हैदराबाद से, हम कबीर अलावत के नाम से भेजते हैं। अमेरिकन वुड वांट टू लुक इनटू हिज फाइल, रिक्वेस्ट आएगी फाइल पे लॉक हटेगा, आईपी एड्रेस यहाँ का है तो पुलिस से इनपुट मांगा जाएगा और इसी बीच हम उसकी फाइल पे हाथ साफ कर लेंगे। व्हाइट हाउस के नाम कबीर अलावत का पैगाम सेंड करूं या भूल जाऊं, पंगा बड़ा हो सकता है। उसको कैसे भूल सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, सब सब ऐना का आइडिया था, उसी ने मुझे उकसाया था। प्लीज मुझे जाने दो, अभी इंडियन जालो एक रिक्रो प्रॉब्लम ऐसा मुसीबत आने का बाद सही बात करता है। उत्तराखंड फ्लड के बाद एनवायरमेंट की बात, नई दिल्ली में स्कैम के बाद करप्शन की बात, तुझ में मुसीबत आने वाली है, उससे पहले तू क्यों नहीं कहता सही बात? मैं सही कह रहा हूं, हम दोनों मैं और है ना 2 किलो हेरोइन चुराया, नाइस आई लाइक। वो हैंडसम कौन है? उसका हाथ है ना तुम पर। कौन हैंडसम? बताता हूं, कोई नहीं था, कोई नहीं था, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। ये सिर्फ दोनों ही थे, चल खाना खाते। डर गया था ना मैं, वार्निंग तो दे सकता था ना ब्रदर। ए उठो, टेंशन हो रहा है मेरे को। हाई कोर्ट को पुलिस को क्यों नहीं बुलाया उसने? छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, अब पूरा गवाह हमारा है। सब लोग
निकलो, हाथों को धोने में लगे हुए। हेलो, मिल गया। किलिंग 70s में पता नहीं किस खुशी में हमारे सिर्फ हाथ पैर तोड़े, क्योंकि हाफ टिकट वो काटता नहीं। मर्सीलेस असासिन ट्रेन किलर। मानतू, उस दिन क्या बोला तू? 3 दिन में हेरोइन का सैंपल लेकर आओ, नहीं तो तुम दोनों भाइयों की चारों किडनियां निकाल के मार्केट में बेच दूंगा। अरे लेकिन किडनी बेचने का धंधा तो मेरा है। तू मेरे सारे धंधे ले, सारा पैसा ले ले तू। मैं तेरे को शराब का पॉलीफिनिल माल्ट का फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे मैं रिफाइन करेंगे, अरबों रुपए कमाएंगे हम उसमें से। सॉरी सारे तू रख ले। अरबों कमाएंगे, मैथमेटिक्स। उस दिन भी तो कुछ ऐसी मैथ्स की बात कर रहा था। हाँ, इस देश में 10 लाख से ज्यादा लोग छरछर गांजा फूंक रहे हैं, मेरा नहीं गवर्नमेंट का आंकड़ा है। अब मैं तुम्हें एक आंकड़ा बताता हूँ। इस देश में हर रोज 100 से 150 लोग गायब होते हैं, जो कभी मिल नहीं पाते। उसमें से 10 भी मेरे हाथ लग गए ना, तो महीने के हो गए 300, साल के 3,500, मतलब 7,000 किडनियां। 4 लाख का भाव पकड़ो तो 280 करोड़। स्किन टिश्यू, स्प्लीन, लिवर, पैंक्रियाज, आंखें, इनका तो हिसाब अलग। मैथमेटिक्स। और उस दिन क्या कर रहा था तू? केविन ये क्या किया? केविन तू ऐसा है, केविन तू वैसा है, केविन केविन केविन। अरे ऐसा मारता है ना तो तू शॉर्ट सर्किट होता है, समझा? अगर तू उस दिन ये नहीं करता तो शायद आज मैं ये नहीं करता। तेरी दोनों किडनियां निकालूंगा, उन्हें मार्केट में बेचूंगा और तुझे जिंदा रखूंगा। फिर तुझे आके उसका भाव बताऊंगा, फिर तेरी दोनों आंखें निकालूंगा, उन्हें भी मार्केट में बेचूंगा और तुम्हें जिंदा भी रखूंगा। फिर वापस आऊंगा और उसका भाव बताऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा किसका मैथमेटिक्स बेटर है। तुम घंटे का मांतो। This is कबीर अलावत। फाइल से हमें अभी तक काफी इंफॉर्मेशन मिली है।
डिविजन से लॉ में रेपुटेशन भी था। 2000 से लेकर 2006 तक काफी कोवर्ट ऑपरेशन इसकी वजह से सक्सेसफुल रहे और 2006 से लेकर 2008 तक ये एक स्पेशल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था। बहुत से मिलिट्री ऑनर्स और रॉ में स्पेशल कमेंडेशन मिली है इसे। ले तेरा गारंटर आ गया। थैंक यू बोल। अबे बोलना। अरे सू तक नहीं दे पा रही है। उसकी ट्रेनिंग एनिमी टेरिटरी में असैसिनेशन, किडनैप और स्पेशल रेड्स के लिए दी जा रही थी। अच्छा अभी कितना चुका सकते हो? अभी किसको भेजा था? मिस्टेक हुई है तुमसे। लोन देते हैं, फोन नहीं बेचते। बताओगे तो मार नहीं खाओगे? अरे पुलिस वाला है तू? एक मिनट। ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि डिफेंस मिनिस्टर से प्रोग्राम देखने गए एक दो ब्यूरोक्रेट्स शॉक से बेहोश हो गए। सुपे से ही डर लगा। जुड़िया तुझे पोस्टमन फाटल्या नुआ वर्ड्स मोरे फो दिया
लिफ्ट में तो तूने मेरी फाड़ी दी थी हैंडसम, लेकिन तुझे तो जेल में होना चाहिए ना। नायोमी के माँ को क्यों मारा? उसे तो तूने मारा। डिलीवरी करने को अग्री कर गया तू? अगल बगल में देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। नायोमी के साथ भी यही किया? नहीं, क्या है उसके बॉडी के पार्ट अब तक पके नहीं है, उसके मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आंखों की कोई उम्र नहीं होती है। उसे बेच के हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। मेरी एक छोटी सी डिमांड है बस, तू 5 साल के अंदर चला जा, और क्या पता 5 साल बाद जब तू बाहर आएगा तो शायद सामने उसे ही खड़ी पाएगा। कल की बात करने वाला कल नहीं मरता, कल की बात करने वाला कल नहीं रहता, कल की बात करने वाला आज मरता है। सिर्फ आज का सोचने वाले के हाथों, और मैं आज की भी नहीं सिर्फ अभी की सोचता हूँ। और तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है, वो तुझे तेरी सजा बनाएगी। तुम्हारी वो ईमेल वाली घटिया हरकत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। आप इंटेलिजेंस है क्या? उखाड़ लिया अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, ना आदमी मिला ना ड्रग्स, ऊपर से CIA ने हमारी अलग मारी, मानतों की सारी फाइल्स और बाकी सस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए और पीछे हट जाइए। मजाक कर रहे हैं क्या? कोई प्रॉब्लम है आपको? मानतों में इंटरेस्ट है या कबीर अदावत में? दोनों में नहीं। केस हमने बनाया, रेट हमने डाली, 6 आदमी हमारे गए हॉस्पिटल, पकड़ेंगे भी हम ही। बीच में कोई भी आएगा तो देखूंगा नहीं कि कौन है। तुम सिर्फ इस केस के बारे में जानते हो, कबीर के बारे में नहीं। जख्मी शेर का शिकार नहीं करते। उससे पहले एक बात हो, तुम नायोमी को ढूंढे हो ना? जिंदा है, CCTV ग्राम है हमारे पास, वागा के पास एक पेट्रोल पंप के ATM से कैश विड्रॉ किया है उसने। मिलना चाहते हो तो जो जानते हो बता दो। केविन और लुक फरेरा, उन्होंने भेजा था मांतू के पास उसे फंसाने के लिए, नायोमी और आना के जान के बदले में। आना को उन्होंने मार दिया, बस इतना ही जानता हूं। इनको बाय बोलो। चल यहाँ भी बाय बोलो। थैंक यू नायोमी। देखा इसके जैसे बिहेव करेगा तो अपने मामा पापा के पास जाएगा। चलो अगर मैं गुड गर्ल बनूंगी तो मुझे मेरे मम्मा से मिलाओगे ना? सर कैसा है इसमें? अरे कुछ नहीं है उसमें, देख रहा हूँ ना मैं। अरे सच में कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर। देखो बाबा गोवा की पुलिस अपाहिज आदमी को कैसे परेशान कर रही है।
अरे अरे उसमें उसमें कौन है? अरे अभी गाड़ी तक भाग के जा वरना यहीं पर चल। वो सब मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ ड्रग संभालता हूँ। इसे देखा है? आंखें तो है इसकी, ये मूंगी बनी होगी। मूंगी? मूंगी मतलब चींटी, माल बेचते हैं इनसे टूरिस्ट के हाथ, या पैसा लाना हो तो लेके भी आते हैं। सर इनका काम का तरीका बहुत सिंपल है, चींटी एक टॉय शॉप से कार का खिलौना उठाती है जिसमें ड्रग्स रखे होते हैं और चलने लगती है। अब क्या है ना साहब, बच्चों पर कौन पुलिस वाला शक करेगा, इसलिए चींटियां मतलब बच्चे सबका काम आसान कर देते हैं। और फिर वो खिलौना पहुंचता है गेमिंग जोन में, जो बच्चों के खेलने की जगह है। अब सर गेमिंग जोन में पुलिस चेकिंग करें ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां हमारा आदमी उस खिलौने को अपने पास रख लेता है और उसमें से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेता है। और फिर दूसरा बच्चा आके वो ड्रग्स का पैकेट लेके आगे निकल पड़ता है। वो ड्रग्स का पैकेट पहुंचता है तीसरी जगह, ड्रग्स के बदले बैग में पुराने जूते रखे जाते हैं। असल में उन जूतों में क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो फिर से गेमिंग जोन में डिलीवर होते हैं। वहां पहले बच्चे के हाथ में क्रेडिट कार्ड्स थमाए जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। बीच रास्ते में तीसरा बच्चा वो बैग उठा लेता है और पहुंचता है एटीएम। तभी क्लाइंट पुलिस स्टेशन में कार्ड खोने की रिपोर्ट लिखाता है। पैसे का निशान नहीं रहता क्योंकि कैश में कोई लेन देन होता ही नहीं ना सर। और दिन में 20-30 क्रेडिट कार्ड्स का खो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसपे पुलिस का ध्यान जाए। और सर अलग अलग पुलिस स्टेशंस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, पुलिस को जरा सा भी शक नहीं होता। ए, ए रुको।
किस खुशी में? ए, ये किसकी आवाज थी? मुसीबत के वक्त भाई भाई की आवाज नहीं पहचानता। देख अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो मैं Thank you.
हेलो घाट के पास यहाँ इसी एम्बुलेंस से भेजा था उसे। मम्मी से मिला है बेटा। क्या चल रहा है? बोल क्या चले? हाँ पता किधर है? इधर छुपा के रखा बच्चों को। बोल और बच्चे किधर है? इसको पता चल। चल चल दे। बता दे सगा। चल चल। इनके सर्जन का पता लग गया है। लगती क्या है तेरी? उसके लिए हम मरने आ गया? लव दाय नेबर को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आंखें, मैंने कहा था ना बहुत पैसा मिलता है, देखोगे?
प्लीज आप कोई कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं आ जाओ ना एड्रेस एड्रेस कहाँ से दूँ फोन कॉल ट्रेस करना फोन ट्रेस करना आ रहे हो सारिया नहीं 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 देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ये देखिए पुलिस आएगी मारेगा मेरे को अभी मारेगा कैसे मारेगा बुलेट प्रूफ का कैसे बोल गया मैं अरे खड़ा रहेगा नहीं लगे मार 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 बुलेट प्रूफ है बुलेट प्रूफ कुछ नहीं कर पाएगा तू कुछ नहीं कर पाएगा अब पुलिस आएगी हम एकदम सेफ हो जाएगा बाद में तेरे को देखेगा मैं बाद में तेरे को देखेगा क्या 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 ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला मेरा कुछ नहीं होने वाला तेरा कुछ नहीं होने वाला है तुम भी जाके देखो अंदर कितनी बॉडीज हैं क्या क्या ड्रग्स हैं देखो तुम भी चेक कर लो ठीक है सर कम ऑन मानसेस डॉक्टर ने खुद के आके कैसे निकाली सर ऑलमोस्ट सबके सब टोटल खत्म हार्डली एक दो लोग हॉस्पिटल में जाएंगे बाकी सब सर हाँ काम कर बच्ची को इसके साथ मेरी गाड़ी में बैठा तुम भी छोरी गाड़ी में ओके सर ऑफिसर
एक आखिरी काम करने दोगे मुझे? इस बार कुछ बड़ा ही कर दिया है तुमने। उस दिन पुलिस वालों के बुलाने के बाद भी चला गया था ना मैं। I'm sorry। अब देखो, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हें स्माइल करना आता है हैंडसम? मुझे तो आज पता चला। कुछ टाइम अकेले रह सकोगी? वेट कर पाओगी मेरा? एक हामी दोगी? हाँ, खो गई थी तू कहीं परियों के ही संसार में।